हेलो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है जसराज सोनी। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ। इस टॉपिक बहुत शानदार टॉपिक है। ये टॉपिक आपका टाइम और पैसा दोनों बचाने वाला है नेक्स्ट टाइम भविष्य में। ठीक है, एक बार नहीं बहुत बार आपको पैसा खर्च करने से बचाएगा, टाइम वेस्ट होने से बचाएगा, प्लस में आपको कोई नई चीज सिखाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आज के इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि अपने घर बैठे कंप्यूटर को कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं, कैसे मनचाही नई विंडो डाल सकते हैं। कई बार दोस्तों क्या होता है, अपना कंप्यूटर सही से वर्क नहीं करता, या अपना विंडो करप्ट हो जाता है, या कोई नया सॉफ्टवेयर डालना होता है, या नया अपडेटेड विंडो डालना रहता है। तो अपन नॉर्मली क्या करते हैं, अपने को खासकर समस्या कब आती है, जब अपन किसी गांव में रहते हैं। ठीक है, तो अपने को क्या करना पड़ता है, उसको पीसी को सिटी में ले जाना पड़ता है। नंबर वन, अपना पूरा एक तो जाने जाने का किराया लगता है और दिन पूरा अपना बर्बाद होता है, और प्लस में जाके आज बोलता है आज आपका काम नहीं, कल आना परसों आना, उस केस में अपना दो दिन खराब हो जाता है खाली एक विंडो करवाने के चक्कर में। तो आज मैं आपको ऐसे घर बैठे विंडो सिखा दूंगा कि आप घर बैठे कंप्यूटर के अंदर विंडो डाल सकते हैं। कोई इंटरनेट की जरूरत नहीं है, कोई स्पेशल टेक्निक की जरूरत नहीं, एकदम सिंपल विंडो डाल सकते हैं। बहुत आधा घंटे का काम है, घर बैठे विंडो डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, तो सर विंडो डालने से पहले सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपका पीसी है जो वर्किंग कंडीशन होना चाहिए। अभी उसके अंदर करंटली विंडो है या नहीं है पीसी में, उसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, उसके लिए शर्त क्या, आपके पास एक ऐसी एक पेन ड्राइव होनी चाहिए जिसको बूटेबल पेन ड्राइव बोलते हैं। ठीक है, ये पेन ड्राइव एकदम नॉर्मल है, लेकिन इसके अंदर जो सेटअप लोड कर रखा है जिस विंडो का, वो उसका विंडो का सेटअप लोड होता है, इसको बूटेबल पेन ड्राइव बोलते हैं। बूटेबल पेन ड्राइव आप घर पे बैठे कैसे नॉर्मल पेन ड्राइव को बूटेबल पेन ड्राइव में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उसका मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। आई बटन के ऊपर आपको एक दिख रहा होगा नॉर्मल छोटा सा बटन, उसको बटन पे आप क्लिक करके आप सीधे उस वीडियो पे पहुंच जाओगे और आप सीख सकते हो कि ऐसे घर बैठे इस टाइप का बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनाते। पहले आपको पता होगा, आपके दिमाग में होगा कि छोटा सा एक यूएसबी ड्राइव, सॉरी एक डीवीडी ड्राइव लगता है, डीवीडी लगता है, उसमें से जो पेन ड्राइव बनाते हैं या बूटेबल डिस्क बनाते हैं उससे विंडो डालें, लेकिन आजकल उस टाइप का जमाना नहीं रहा, अपन इस टाइप के पेन ड्राइव से भी अपन विंडो कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर लेके जाऊंगा, लेकिन आज वो स्क्रीन नहीं है जो अपन देख सकते हो, आज मैं नॉर्मल मोबाइल की स्क्रीन से आपको रिकॉर्ड करके बताने वाला हूँ कि आप विंडो कैसे लोड करने वाले हो। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। लेकिन विंडो करने से पहले कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है, वो चीज है कि आपका जो सी ड्राइव है, चाहे आपके अंदर एसएसडी है या आपके पास वो किसी हार्ड डिस्क के अंदर आप करना चाहते हो विंडो, ठीक है, उसका आपका इम्पोर्टेंट चीज है तो उसका पहले आपको बैकअप ले लेना है, ताकि आपको दोबारा से डाउनलोड न करना पड़े या करप्ट न कोई चांस न रहे। क्योंकि जब विंडो करेंगे, जिस ड्राइव में आप विंडो करेंगे वो ड्राइव है जो पूरी फॉर्मेट हो जाएगी और नई विंडो डालेगी। ठीक है, तो आपको अपनी चीज का बैकअप जरूर ले लेना है, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैं आपको सीधा कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर लेता हूँ, पूरा प्रोसेस बताता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हेलो नमस्कार साथियों, भी कंडीशन क्या अपनी होनी चाहिए विंडो डालने के लिए, सबसे पहले एक जो अपना बूटेबल पेन ड्राइव डिवाइस है वो अपने डिवाइस कनेक्ट होना चाहिए कंप्यूटर के साथ सीपीयू के अंदर। ठीक है, और पीसी है जो अपना स्विच ऑफ कंडीशन में अभी, और अभी सबसे पहले आपको पता कर लेना है आपको दोस्तों कि आपके कंप्यूटर में F11 या F12 बटन कहाँ पे। जैसे कि ये मेरा सीपीयू है, इसमें ये F11 बटन या F12 बटन, इन दोनों में से ये दोनों बटन होते हैं बूट डिवाइस होते हैं। ठीक है, इनको बूट डिवाइस बोलते हैं। तो अभी अपन क्या करेंगे, पेन ड्राइव अपना अटैच है। ठीक है, और अभी जैसे ही अपना F11 पे पहले बटन हाथ रखेंगे अपन जस्ट, ठीक है, और अपन पीसी को जस्ट है जो स्विच ऑन करेंगे, जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो अपन को फटाफट है जो F11 का बटन दबाना रहेगा 5-6 बार। ठीक है, तो जैसे मैं एक बार ये बटन दबा चुका हूँ और मैं F11 ऐसे दबाना चालू कर चुका हूँ। ठीक है, तो आज कंप्यूटर मेरा स्टार्ट होगा, ये देख पा रहे हैं कंप्यूटर मेरा स्टार्ट हो गया और ये मेरा बूट मेन्यू भी खुल गया। ठीक है, अभी बूट मेन्यू खुल गया इस टाइप का, प्लीज सेलेक्ट अ बूट डिवाइस। अभी अपने को पता होना चाहिए कि अपने जो डाटा जो पेन ड्राइव बना रखी है वो पेन ड्राइव कौन सी है। ठीक है, इसके अंदर दो डिवाइस कनेक्ट, एक साटा लैब केयर का कंपनी का वो है और एक यूएसबी एचपी V236W इस टाइप का। ठीक है, इस दोनों में से अपने को पता होना चाहिए कौन से में अपने जो विंडोज का सेटअप कर रखा है और कौन सा अपने बूटेबल पेन ड्राइव रखा है। तो मैंने इसको जो एचपी को इसको बना रखा है, तो अभी माउस काम नहीं करेगा, कीबोर्ड का अपन डाउन एरो दबाएंगे, ये जो हाईलाइट सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी एक चीज आपको ध्यान रखना है कि अपना बटन कोई सा भी एक बटन, अगर एरो पे छोड़ कोई एक बटन पे अपनी उंगली होनी चाहिए, क्योंकि विद इन सेकेंड जैसे ही अपन इस पे एंटर करेंगे विद इन सेकेंड के साथ अपने को दूसरा बटन दबाना रहेगा। ठीक है,
ये मैं दबा चुका हूँ और कोई दूसरा बटन भी दबा दिया हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये जैसे ही मैं दूसरा बटन दबाया, ये है जो और विंडो का प्रोग्रेस है जो चालू हो गया, ठीक है। अगर जैसे ही आप उसमें एंटर दबाते हो, एंटर दबाने के बाद अगर कोई दूसरा बटन नहीं दबा पाते हो 3 सेकंड में, तो विंडो लोड होना फेल्ड हो जाएगा। ये चीज का आपने को ध्यान रखना है। अभी प्रोसेस मैं आपको बिल्कुल भी बंद नहीं करूंगा, नहीं कट करूंगा, A to Z प्रोसेस आपको पूरा मैं बताने वाला हूं। तो विंडोज है जो अपना लोड होना चालू हो गया है, यहाँ पे आप देख रहे हैं हल्का सा एक LED लाइट है जो ब्लिंक होना चालू हो गया है। अभी इसमें अपने को छेड़छाड़ नहीं करना है, अगर पीसी की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है कि अपना जल्दी भी हो सकता है और लेट भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी लोड होने देंगे और इसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। इसमें टाइम लग सकता है 10 से 15 मिनट अपना। तो ये देखिए दोस्तों, अपना ब्लिंक होना बंद हो गया और नया विंडो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। लंबा चौड़ा प्रोसेस है, फॉलो करते रहिए तो सारा चीज आसानी से समझ में आएगा। ये जब भी जब तक कोई ऑप्शन नहीं मांगता कैसे विंडो करना, ये कंप्यूटर खुद अपने को बताएगा, ठीक है। तो अपने को कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना जब तक ये अपने से न मांगे, ठीक है। अब मैं थोड़ा जूम कर लूंगा पीसी को, ठीक है, स्क्रीन अब जूम हो गई। अब इसमें मांग रहा है कि लैंग्वेज टू इंस्टॉल, मतलब कौन सी लैंग्वेज है जो आपको इंस्टॉल करनी है। तो इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट इसको रहने देना है। फिर टाइम एंड करंट फॉर्मेट है, करेंसी फॉर्मेट है, इसको अपन थोड़ा चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं। मैं इंडिया का कर लूंगा थोड़ा, इसमें देखता हूं अगर इंडिया का है तो ठीक है, नहीं तो फिर वही रहने देंगे, ठीक है। अभी कुछ नहीं है दोस्तों, एक बार इसको है जो एज ही रहने देंगे, क्योंकि अभी दूसरा अपन मेरे को कोई काम के दिख नहीं रहा है। तो इंग्लिश यूनाइटेड वाला जो इसको अपन रहने देंगे, ठीक है, जो सबसे पहले ऊपर था। दोबारा क्लिक कर देंगे, छेड़ेंगे नहीं इसको। फिर कीबोर्ड और इनपुट मेथड USA इसके अंदर बता रखा है, तो अपन इंडिया का भी कर सकते हैं। ये अभी कीबोर्ड अपना काम करना है तो चालू कर लिया है, लेकिन इसमें भी मेरे को इंडिया का कहीं दिख नहीं रहा है, ठीक है। चलो ठीक है, इसमें भी अपन इसको US रहने देंगे, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट, ये US वाला आ गया, ठीक है। ये US वाला इसको अपन रहने देंगे। मेरा कहने का मतलब ये तीनों जो आया नॉर्मल इसको अपन छेड़ेंगे नहीं, और वापस अब माउस काम कर रहा है तो इसलिए अपन नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अभी ऑप्शन आ रहा है कि इसमें इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन आ रहा है, ये देख पा रहे हैं, तो इंस्टॉल नाउ पे अपन क्लिक कर देंगे। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि सेटअप है जो स्टार्ट होना चालू हो गया है, ठीक है। ये देखिए, अभी इसमें पूरा एक्टिव विंडो, ठीक है। तो अभी अपने पास कोई की वगैरह नहीं है, तो अपन आई डोंट हैव प्रोडक्ट की जैसे आप दिखा रहे होंगे, मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखा लेता हूं। अपने को इस पे क्लिक करना आई डोंट हैव प्रोडक्ट की, ठीक है। इस पे हमने क्लिक कर दिया तो ये प्रोसेस है जो अपना आगे बढ़ जाएगा। अभी दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि अभी अपने को पूछेगा कि अपने को कौन सा विंडोज डालना है, ठीक है। तो अभी आप देख पा रहेंगे कि मैं सबसे अच्छा रहता है विंडो 10 प्रो होता है, ये मैं इसको बेस्ट मानता हूं मैं यूज करने के लिए। तो विंडो 10 प्रो है, इसको मैं सेलेक्ट करूंगा। आर्किटेक्चर है हमेशा 64 ही यहाँ पे दिखा रहा है, आपको 32 बिट नहीं दिखा रहा है। ये कहाँ पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि आपने बूटेबल पेन ड्राइव किसके बनाई, ठीक है। तो विंडो 10 प्रो है जो मैं इसको सेलेक्ट करता हूं, और यहाँ पे जो नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक है जो प्रोसेस चालू हो जाएगा। अभी अपने को यहाँ पूछ रहा है कि विंडोज सेटअप आ रहा है, मैं थोड़ा वापस जूम इन आउट कर लेता हूँ। ये देखिए, तो यहाँ पे एक्सेप्ट एंड टर्म द लाइसेंस टर्म में यहाँ पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे विच टाइप ऑफ इंस्टॉलेशन डू यू वांट का ऑप्शन आ रहा है, तो इसमें आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना कस्टम है इंस्टॉल विंडो ओनली एडवांस है, तो इस पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। अभी जो देख रहे हैं आपको, इसमें आपको बताएगा कि दो पार्टीशन बन रहे, ठीक है। इसमें से कौन से पार्टीशन के अंदर आपको है जो अपनी विंडोज इंस्टॉल करनी है। मेरा कहने का मतलब है कि आपको अगर
आपके कोई पेन ड्राइव या मतलब पेन ड्राइव में तो विंडो कैड इंस्टॉल नहीं हो सकती। अगर आपके पास कोई हार्ड डिस्क है तो इंस्टॉल करना चाहते हो, उस कंडीशन में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपके हार्ड डिस्क कौन सी कैपेसिटी की है। मेरे कैपेसिटी के अंदर डिवाइस टू पार्टीशन है, जो सिस्टम का पार्टीशन है वो 200-250 GB का है जो मेरा लगा हुआ है, उसमें SSD, तो SSD में इंस्टॉल करूंगा। तो मेरे को साइज पता है, तो साइज के अकॉर्डिंग इस पर डबल एक सिंगल क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, तो अपना जो विंडोज का प्रोसेस है जो चालू हो गया है। तो अभी एक चीज के ध्यान रखो दोस्तों, जब तक ये प्रोसेस ऑटोमेटिक आगे नहीं बढ़ता अपने को कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। ये कम से कम 15 से 20 मिनट का टाइम ले सकता है, तो इसमें अपने को कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है। तो ये प्रोसेस है जो अभी देख रहे हैं, अभी 14% हो चुका है, ये धीरे धीरे करके 100% हो जाएगा, तब तक आपको वेट करते हैं। तो दोस्तों अभी देख रहे हैं कि ये गेटिंग फाइल रेडी इंस्टॉलेशन 51% हो चुका है, इसको 100% होने तक अपन वेट करेंगे। तो दोस्तों अभी आप देख पा रहे होंगे कि कुछ प्रोसेस है जो मेरा लगभग कंप्लीट हो चुका है, बाकी वाला प्रोसेस है जो कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। कंप्लीट प्रोसेस हो गया है, अभी देखो ये पीसी है जो रिस्टार्ट हो रहा है, ठीक है। रिस्टार्ट नाउ पे आप क्लिक कर सकते हो और 10 सेकंड बाद ये ऑटोमेटिक भी रिस्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जब तक ये रिस्टार्ट हो जाता है आप कंप्यूटर को स्क्रीन को पूरा फॉलो करते रहिए, ठीक है। अभी अपने को कुछ नहीं करना, अभी कुछ बटन नहीं दबाना, ये जो भी है जो प्रोसेस ऑटोमेटिक चलता रहेगा, जो कुछ भी करना ये कंप्यूटर अपने को खुद बताता रहेगा, ठीक है। वैसे मैं प्रोसेस बता रहा हूँ लेकिन आप नहीं भी एक बार वीडियो देखते तो भी आप प्रोसेस कर सकते हो, ठीक है। तो विंडो है जो ऑटोमेटिकली लोड होना चालू हुआ है अभी। इसमें अपने को ज्यादा कुछ कमांड देने की जरूरत नहीं है, बस थोड़े बहुत कमांड देंगे और विंडो नॉर्मली धीरे धीरे इंस्टॉल हो जाएगा। एक बार करोगे, दो बार करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो अपना सारा काम हो जाएगा। अभी बोल रहा है कि स्किप क्लिक चेकिंग प्लीज यानी के विद इन 3 मिनट, ठीक है। इसमें कोई भी अपन क्लिप बटन दबा देंगे तो अपना विंडोज है जो प्रोसेस है जो आगे बढ़ जाएगा। जो भी कुछ भी करना वो सारा स्क्रीन के ऊपर दिखाता रहेगा, तो अपने को ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सारा है जो प्रोसेस है जो ऑटोमेटिक ही होने वाला है। अभी सर्विस है जो स्टार्ट हो गया है, मैक्सिमम काम हो जाए जो विंडोज ऑटोमेटिक करना, अपने को बहुत ही कम कमांड देना रहता है इसमें। तो दोस्तों देख रहे हैं कि अपना प्रोसेस है जो आगे बढ़ना चालू हो गया है। हो सकता है पीसी कई बार आपका रिस्टार्ट होगा या पीसी कुछ देर के लिए बंद रहेगा, कुछ प्रोसेस आगे बढ़ेगा, लेकिन ये विंडोज का है जो ऑटोमेटिक प्रोसेस है, इसमें अपने को छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। कुछ बार मतलब 5 से 6 बार पीसी जो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, तो अपने को इतना टेंशन लेने की ज्यादा जरूरत नहीं, सब प्रोसेस जो ऑटोमेटिक प्रोसेस है। जब अपन बटन दबाएंगे तो ये प्रोसेस है जो आगे बढ़ जाएगा, ये बोल देगा अपने जो भी करना है, कोई भी एक्शन लेना रहेगा ये ऑटोमेटिक अपने को बताएगा।
तो प्रोसेस दोस्तों अपना आगे हो गया है, अभी बता रहा है लेट स्टार्ट विद द रीजन, ठीक है। अभी कौन से रीजन में आप जो चालू करना चाहते हो, अभी कीबोर्ड में चेक कर लेता हूँ, अगर अपना इंडिया रहता है अगर किसी में तो इंडिया सेलेक्ट करने का, अदरवाइज इंडिया नहीं है तो जैसे मान लीजिए इसमें लेट स्टार्ट तो इंडिया का आपको बता रहा है, तो मैं यहाँ पे इंडिया पे सिलेक्ट करूंगा और नीचे ऑप्शन आ रहा है यस का, यहाँ पे मैं यस पे क्लिक कर दूंगा तो जस्ट ए मोमेंट लिख के आ रहा है, ये ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा। इज दिस द कीबोर्ड लेआउट, आपको कीबोर्ड लेआउट है जो किस टाइप का सिलेक्ट करना है, अगर इसमें चेक कर लेते हैं अगर इंडिया होगा तो इंडिया करेंगे, अदरवाइज है जो यूएस है जो रहने देंगे, तो इसमें इंडिया का कोई भी कीबोर्ड लेआउट नहीं है, ओपन है जो यूएस वाला ही रहने देंगे, ठीक है। ये यूएस वाला रख दिया और इसको जो मैं यस पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। तो वांट टू एड ए सेकेंड कीबोर्ड लेआउट तो इस पे अपन स्किप पे क्लिक कर देंगे यहाँ के, तो प्रोसेस थोड़ा आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो इसमें लिखा है लेट्स कनेक्ट टू इंटरनेट, तो इसमें आपको यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा, मैं आपको थोड़ा जूम कर लेता बताता हूँ यहाँ पे कोने में कि यहाँ पे आई डोंट हैव इंटरनेट, यहाँ पे अपने को यहाँ पे क्लिक कर देना है, तो इधर ऑप्शन आ रहा है देयर आर मोर डिस्कवर व्हेन यू कनेक्ट टू द इंटरनेट, ठीक है। तो अभी अपने पास इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल नहीं है तो अपन क्या करेंगे, कंटिन्यू विद लिमिटेड सेटअप इस पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। हु गोइंग टू यूज दिस पीसी, अब जैसे अगर आप खुद का पीसी कर रहे हो तो आपका खुद का नाम डाल सकते हो, अगर किसी दूसरे का नाम डालना, दूसरे मैं अभी किसी और बंदे का सेटअप कर रहा हूँ तो उसका नाम दे दूंगा, मनोज नाम का बंदा उसका कर रहा हूँ, तो मनोज पीसी करके नाम दे लिया उसको, मनोज पीपीसी, और यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। तो क्रिएट ए सुपर मेमोरेबल पासवर्ड है, तो यहाँ पे पासवर्ड डालने के लिए बोल रहा है, अगर आप पासवर्ड डालना चाहते हो तो ठीक है, अगर पासवर्ड नहीं डालना चाहते तो यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन है वो भी आप डाल सकते हो, ठीक है। कोई पासवर्ड डालना का भी कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो चूज ए प्राइवेसी सेटिंग फॉर ये डिवाइस है, तो इसमें आप यहाँ पे सारे एक्सेप्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे एक्सेप्ट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो लेट्स कॉर्टन हेल्प टू गेट दिखेंगे, तो इसमें आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी पीसी है जो दोबारा अपना रिस्टार्ट होने वाला, आई थिंक जो भी करना है वो ऑटोमेटिक करेगा, अपने को ज्यादा बेजमारी नहीं करना है, बहुत कम कमांड देना अपने को। अभी ये बता रहा है डोंट टर्न ऑफ योर पीसी, मतलब अपने कंप्यूटर को भी अपना बंद नहीं करना है। कुछ प्रोसेस जो अपना आगे बढ़ना चालू हुआ है, जो भी आगे बढ़ रहा है अपने को छेड़छाड़ नहीं करना है और आगे बढ़ने देंगे। तो अभी नेक्स्ट प्रोसेस बढ़ा, इसमें बोला ऑलमोस्ट देयर, तो ये देखिए अपना है जो विंडो है जो नॉर्मली इंस्टॉल हो गया है अभी आंखों के सामने, ठीक है। तो इसमें अभी बता देंगे, मे बी लेटर पे क्लिक कर देंगे और नॉर्मली ये जो आपका विंडो जो इंस्टॉल हो गया है। अभी नॉर्मल रिजोल्यूशन आपका सही नहीं दिखा रहा होगा तो यहाँ पे राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक करने के बाद डिस्प्ले सेटिंग पे जाइए, डिस्प्ले सेटिंग ओपन हो गया है और रिकमेंडेशन में यही डाल रहा है अपने को, लेकिन मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और कीप चेंज रहने देंगे, ठीक है। तो अभी देख रहे हैं कि ये विंडो अपना नॉर्मली है जो इंस्टॉल हो गया है, विंडोज 10। अभी मैं इसको आपको प्रॉपर्टी जो दिखा देता हूँ, प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे तो यह जो प्रॉपर्टी ओपन हो गया है, ठीक है। अभी इसके अंदर कौन सा प्रोसेसर है, कौन सी विंडो है, वो सारा अपने को यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे विंडोज एडिशन है जो विंडोज 10 प्रो है जो आपने इंस्टॉल हो चुका है और कब इंस्टॉल किया गया ये भी डेट दिखा रहा है, ओएस बिल्ड वर्जन कौन सा दिखा रहा है, एक्सपीरियंस कौन सा पैक है वो भी आपको दिखा रहा है, ठीक है। तो आई थिंक विंडोज ये आपका विंडोज कंप्लीट हो गया है। अब जो काम करना रहेगा वो रहेगा आपका आपका ड्राइवर अपडेट करने वाला, ड्राइवर अपडेट करने वाला काम होगा वो मैं आपको नेक्स्ट किसी अच्छे टॉपिक के साथ आऊंगा तभी समझाऊंगा। और उम्मीद करते हैं ये विंडोज आपका इंस्टॉलेशन है जो कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आप लोग विंडो इंस्टॉल करने का ट्राई किया और आपसे नहीं हो पा रहा है तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है ये भी हमें कमेंट करके बता दीजिए, तो हम आपको इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन करना सीखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं किसी ऐसे टॉपिक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।